గోషామహల్ కాన్స్టెన్సీ మంగళార్ డివిజన్ జనశక్తి సమాజ్ గంగపుత్ర భవన్లో ఆదిత్య కృష్ణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా టీఆర్ఎస్ సీనియర్ లీడర్ నందకిషోర్ వ్యాస్ బిలాల్ 300 రైస్ ప్యాకెట్స్తో పాటు 500 N95 మాస్క్ పంపిణీ చేశారు. ఇందులో భాగంగా మంగళార్ డివిజన్ ఎక్స్ కార్పొరేటర్ పరమేశ్వరి సింగ్తో పాటు సంఘ సభ్యులు మరియు పార్టీ వర్కర్స్ పాల్గొన్నారు. మేడం మేడం ఇద్దరు పిచ్చడికే ఆ పాటలు एक छोटी सी बैंक हमारी बहनों को भाइयों को दी गई है. पिछली बार 350 परिवारों को मदद दी गई थी. समिति के रिक्वेस्ट पर 300 थैले और आज हमने वितरित किए. उसी तरह 500 N95 मास्क भी दिया जा रहा है. मैं मच्छीपुरा नंगा पुत्र जो भी समाज के लोग हैं उनको आश्वासन देता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो आपकी जाति के साथ सरकार खड़ी है. KCRG KDRG खड़े हैं, नंदु बिलाल खड़ा है, हमारे पार्टी का बच्चा बच्चा खड़ा है. किसी प्रकार का कोई भी काम आपको हमारे रस से जरूरत पड़े आप मेरे संकोच हमारे पास बता रही है, हम आपकी सेवा में रहेंगे. उसी तरह आज गोशामल विधानसभा क्षेत्र में हर गली हर बस्ती चप्पे चप्पे पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो भी नीडी है, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी तकलीफ उठा रहा है उसे आइडेंटिफाई कर उसको मदद पहुंचा रहा है. मैं जनता से विनती करता हूं, आप सबका सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए. गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस है, कोविड के जो भी लॉकडाउन के जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें. आप घरों में रहें, आपके घर बैठे हम आपको सुविधा देंगे. आपका सपोर्ट होना, आशीर्वाद होना. जय तेलंगाना, जय KCR, जय KDR. अध्यक्ष जनक्षेत्र समाज गंगापुत्रा, अपने सभी समाजवासी बंधु बांधवों के तरफ से भाई नंदकिशोर व्यास जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. साथ ही बहन परमेश्वरी जी है, संतोषी जी है और पार्टी के सारे TRS कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ नंदू भाई का, जिन्होंने 30 तारीख के दिन 350 फैमिलीज़ को चावल बांट कर उनकी मदद की है. और समाज की ओर से और जो फैमिलीज़ जो नीडी लोग थे उन्होंने भी आकर आग्रह किया, जिस पर हम लोगों ने नंदू भाई को बताए थे कि 250 फैमिलीज और आ चुके हैं जिसको और मदद की ज़रूरत है. तो हमारे आग्रह पर नंदू भाई ने 250 फैमिलीज को चावल आज बांटने का निर्णय किया और बांट रहे हैं. साथ ही इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे समाज में असाक्षरता बहुत है, अनएजुकेटेड लोग बहुत हैं, जिसके तहत गवर्नमेंट की सुविधाएँ डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है. तो मैं नंदू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, एक मेमोरेंडम दूंगा उनको कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट से सीधे जितने भी बेनिफिट्स हैं यहाँ पर हमारे एक एक फैमिलीज़ को यहाँ पर मिल सके. तो उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नंदू भाई का फिर से एक बार.